जशपुर में पहाड़ी कोरबाओं की जमीन हत्याने का मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के बेटे पर जमीन हत्याने का आरोप है और बीजेपी ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। रविवार को बीजेपी ने जांच रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंत्री के बेटे ने नियमों के खिलाफ जाकर जमीन खरीदी और आदिवासियों को का शोषण किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पहाड़ी कोरबाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय पहले कभी नहीं हुआ जितना भूपेश सरकार में हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मंत्री के बेटे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो भी कार्रवाई हुई है कानून के मुताबिक हुई है। जो रजिस्ट्री हुई है उसके अनुसार तो 11.25 लाख का है, तो हमको लगता है मार्केट रेट लेकिन उसमें पटवारी ने छिपाया है। पटवारी ने कहा है कि रोड से 4 किलोमीटर दूर है, जबकि ये पूरा प्लाट एक चक है 24.88 एकड़ और ये रोड से लगा हुआ है, डामर रोड, प्रधानमंत्री रोड से लगा हुआ है। हमारे जांच टीम पूरा देख के आए हैं, तो मतलब कीमती ज़मीन है लेकिन दूर बता के उसका कीमत भी कम किया गया है ताकि स्टाम्प ड्यूटी कम लगे। तो इस तरह से राजस्व वाले भी मतलब स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी इसमें किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें आती हैं उसके बाद टिप्पणी किया जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो भी कार्रवाई की होगी विधि